इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन वेटरन्स की जर्नी के बारे में एंड फिगर आउट करेंगे इन्होंने अपने एरा में कैसे डोमिनेट किया। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। आप में से 91% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इस वीडियो के बाद हम टीम INDIGO को कवर करने वाले हैं। ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो के थ्रू मैं किसी को भी टारगेट नहीं करने वाला। सी, मैं अपनी वीडियोज के थ्रू प्लेयर्स की जर्नीज कवर करता हूँ एंड डिसअपियर्ड वर्ड से आई डोंट एक्चुअली मीन कि प्लेयर्स गायब हो गए। व्हाट आई एक्चुअली मीन इज ऐसे प्लेयर्स जो करंटली समाउ ई स्पोर्ट्स का पार्ट नहीं है, फिर चाहे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया हो, क्विट कर दिया हो या करंटली कंटेंट क्रिएशन में हो। कमिंग बैक। नंबर 3, कैरी AKA हस्तर, वन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर एंड कंटेंट क्रिएटर ऑफ ऑल टाइम। हस्तर ने टीम इंडियन टाइगर्स के साथ मिड 2019 में स्टार्ट किया और PMC और स्प्रिंग स्प्लिट खेला। 219 स्कोर करके इन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल करी और इसी के साथ उन्होंने अपनी ग्लोबल फाइनल्स की टिकट कन्फर्म कर ली थी। बट ग्लोबल फाइनल्स से पहले उनको प्रीलिम्स में क्वालिफाई होना था, जिसमें सिर्फ 10 पॉइंट से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए एंड अनफॉर्चुनेटली उस टूर्नामेंट से ये लोग बाहर हो गए थे। अब टीम IT डिसबैंड हो जाती है और हस्तर मावी के साथ OR को ज्वाइन करते हैं एंड टीम OR के साथ ये फॉल स्पीड का ग्रुप स्टेज खेलते हैं। 251 पॉइंट्स के साथ लीडरबोर्ड टॉप करके ये प्लेन्स की तरफ बढ़ते हैं। बट उससे पहले उन्होंने PMIT खेला, जिसमें 196 पॉइंट के साथ उन्होंने सेकंड पोजीशन सिक्योर करी। नाउ इसके बाद उन्होंने PMCU फॉल स्पीड का प्लेन्स खेला, जिसमें 0 पॉइंट डिफरेंस होने के बाद भी ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए एंड 2019 में ही ये अपना लास्ट टूर्नामेंट खेलते हैं टीम गॉडलाइक से, जिसमें उन्होंने 14 पोजीशन ली। मूविंग फॉरवर्ड टू 2020, फिर से उन्होंने PMCU स्प्रिंग स्प्लिट 2020 में पार्ट लिया एंड हस्तर ने 34 किल्स के साथ लीडरबोर्ड टॉप किया एंड टीम को उससे काफी पुश भी मिला, जिससे PMPL ऐसे के लिए वो क्वालिफाई हो जाते हैं। अब PMPL के 5 स्क्रिम्स में कुछ ऐसा परफॉर्म करके ये PMPL का मेन इवेंट खेलते हैं, जहां पर ये लोग 7th पोजीशन के साथ उस टूर्नामेंट को एंड करते हैं और इसी के साथ ये अपना लास्ट ऑफिशियल इवेंट खेलते हैं गेम बैन से पहले, दैट इज PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग ईस्ट। बट उसमें ये अनफॉर्चुनेटली 20 में से 19 पोजीशन ले पाते हैं एंड वीकेंड से 31st August 2020 को उन्होंने अपना लास्ट टूर्नामेंट खेला। I mean, वो हर साल एक इवेंट खेलते हैं बट मेजरली उन्होंने 2020 में ही ईस्पोर्ट्स को छोड़ दिया था। नाउ हस्तर इज कम्प्लीटली इनटू कंटेंट क्रिएशन। उन्होंने डिफरेंट ऑर्ग्स के साथ में कंटेंट बनाया, लाइक रेड आउल गेमिंग, OG एंड SATUL। बट 2020 में एक लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्होंने रिवील किया दैट ही ट्राइड कॉम्पिटिटिव सीन फॉर अ वाइल, बट वो वर्कआउट नहीं कर पाया। अब डिस्कस करते हैं उनका ओवरऑल करियर सेट्स। 2019 में उन्होंने टोटल 6 इवेंट्स खेले, आउट ऑफ विच 5 वर ऑफिशियल एंड 1 वाज अनऑफिशियल। 2020 में उन्होंने 3 ऑफिशियल इवेंट्स खेले, 5 ऑफिशियल स्क्रिम्स और 28 अनऑफिशियल इवेंट्स एंड टॉप 3 तक उनकी कुछ ऐसी स्टैंडिंग्स रही। ऑल्सो उन्होंने अपने करियर में इन सभी टीम्स के साथ अपनी जर्नी शेयर करी। नंबर 2, एंटो। यूजुअली प्लेयर्स स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड बाय द टाइम उनका गेम प्ले डाउन होता चला जाता है, बट एंटो के केस में ये अपोजिट है। उन्होंने जब ईस्पोर्ट छोड़ा था तब भी उनका गेम प्ले काफी अच्छा था। ही इवन सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन BMPS। ओके, सो स्टार्टिंग इन्होंने अंडरडॉग टीम से करी। 2019 में स्प्रिंग स्प्लिट खेला बट उनके रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। नाउ फॉल स्प्लिट के टाइम उन्होंने गॉडलाइक को ज्वाइन किया और उसमें उन्होंने 23rd पोजीशन निकाली। सी, आई डोंट नो इफ यू गाइज नो हिम, बट एंटो उन प्लेयर्स में से हैं जिनका करियर सेट्स काफी अच्छा है एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे ओपिनियन में उनको ईस्पोर्ट्स को नहीं छोड़ना चाहिए था। एनीवेज, आफ्टर क्वालिफाइंग इन द ग्रुप स्टेज उन्होंने प्लेइंग्स में 3rd पोजीशन निकाली एंड फाइनल्स में 11th पोजीशन और इसी के साथ उन्होंने टीम OR को ज्वाइन किया एंड 2019 का लास्ट ऑफिशियल इवेंट खेला, विच वॉज PUBG मोबाइल ऑल स्टार्स 2019, जिसमें उन्होंने 12th पोजीशन निकाली। नाउ उनका बेस्ट करियर टाइम डिस्कस करने से पहले लेट सी कि वो कैसे डोमिनेट किया करते थे। कीकी को नॉक करा है तो गिल के भी शॉट्स आ रहे, तो यहाँ पर जल्दी ही जल्दी से आना पड़ेगा हमारे कैरी भाई को, क्योंकि उनके पास M249 था। जैसे कि मैंने बात किया, उनके सामने है कैरी विद M249, कैन ही डू इट। गिल को यहाँ पर नॉक किया है, क्रॉन्डो को भी नॉक करने वाले, इज 1 HP लेफ्ट राइट नाउ। कैन एंटो क्लच इट फॉर हिज टीम। कैरी He's holding his team for long, क्योंकि यहाँ पर 1 HP एंटो भी है। कैरी अभी रश नहीं करने वाले, वो आराम से टीम पे ले रहे हैं, लेकिन कैरी एंटो को परस्त किया। एंटो यहाँ से भागने में कामयाब हो चुके हैं, अब देखना पड़ेगा एंटो कितने दूर तक भाग पाते हैं। M249 वर्सेस स्कॉर्पियन, के पास कोई भी ड्रॉप वेपन नहीं था, उन्होंने बहुत ही अच्छा पुश होल्ड करा है। कैरी के पास ग्रेनेड आया है, क्या वो सही टाइम पे फूटेगा, क्या डैमेज देगा? नहीं, कैरी सही टाइम पर नीचे आया, नॉट का डैमेज गया एंड एंटो इज डूइंग अ सुपर्ब जॉब like giving damage to carry, क्योंकि वो 1 HP बचे हैं। Like come on carry, buckle up man. Yeah, seriously dude, it was seriously unexpected. मतलब M249 versus Scorpion देख रहे हो, इतनी भारी साबित होते हुए कैरी यहाँ पर TVP ले रहे हैं और एंटो यहाँ पे सेफ रूम के अंदर है। कैरी प्रीफायर देते हुए M249 का, लेकिन लिमिटेड एमो है तो एंटो यहाँ पर रश करेंगे और शायद एंटो यहाँ पे कैरी को फिनिश करते। और ये क्या था, ये
मूविंग फॉरवर्ड टू 2020, पीएमसीयू स्प्रिंग स्प्लिट 2020 में दे सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन। सिर्फ 5 पॉइंट्स की वजह से वो फर्स्ट पोजीशन रह गए। आउट ऑफ 10 प्लेयर्स, 3 प्लेयर्स टीम ओआर के थे। स्प्रिंग स्प्लिट के बाद उन्होंने बाकी प्लेयर्स की तरह पीएमपीएल के 5 गेम्स खेले और फिर उसी का ऑफिशियल इवेंट का दिन आता है जिसमें लीग स्टैंडिंग्स में ओवरऑल किल लीडरबोर्ड पर मवि और दलजीत ने टॉप 2 में स्पॉट बुक किया एंड टीम ने नंबर 1। फाइनल्स में दे मैनेज टू सिक्योर 4th पोजीशन एंड ओवरऑल उनकी कुछ ऐसी पॉइंट स्टैंडिंग्स रही। पीएमपीएल के बाद उन्होंने 2020 का अपना लास्ट ऑफिशियल इवेंट खेला, दैट इज पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग ईस्ट। इस इवेंट के ओपनिंग वीकेंड में उन्होंने 2nd पोजीशन निकाली, लीग स्टेज में 10th और फाइनल्स में इन सभी टीम्स के बीच 2 चिकन डिनर्स के साथ उन्होंने 2nd पोजीशन सिक्योर करी। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, बीएमओसी के क्वालिफायर्स में दे बुक 3rd स्पॉट जिससे उनकी बीएमपीएस सीजन 1 की टिकट अनलॉक हुई। इस इवेंट के लीग स्टैंडिंग्स में तो उन्होंने किल लीडरबोर्ड को टॉप किया ही बट फाइनल्स में दे सिक्योर्ड 2nd पोजीशन। उनमें और फर्स्ट पोजीशन में काफी पॉइंट्स डिफरेंस था। उन्होंने सिर्फ 1 स्पॉट से पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग का स्पॉट मिस किया और 24 जुलाई 2020 को उन्होंने अपना लास्ट इवेंट खेला विच वॉज बीजेएस 2022 जिसमें उन्होंने 9th पोजीशन सिक्योर करी। इसके बाद वो ईस्पोर्ट्स से डिस्कनेक्ट हो गए बट उनके सोशल से आई गॉट टू नो उन्होंने ईस्पोर्ट्स को क्विट नहीं किया है। उनके अकॉर्डिंग वो काफी जल्दी ईस्पोर्ट्स में कमबैक करेंगे। उन्होंने अपने एग्जाम्स की वजह से ब्रेक लिया था। टॉकिंग अबाउट हिज ओवरऑल करियर सेट्स, उन्होंने ओवरऑल 75 टूर्नामेंट्स खेले हैं जिनमें टॉप 3 की कुछ ऐसी स्टैंडिंग्स रही। नंबर 1 गॉडलाइक कीकी। कीकी ने 2019 में टीम गॉडलाइक से ही स्टार्ट किया। पीएमसीयू फॉल स्प्लिट वॉज हिज फर्स्ट ऑफिशियल इवेंट जिसमें वो 23rd पोजीशन ले पाए। उसके प्लेन्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और 3rd पोजीशन ली बट फाइनल्स में वो 11th पोजीशन ले पाए। इसी के साथ उन्होंने 2019 को अपना लास्ट इवेंट खेला विच वॉज पबजी मोबाइल ऑल स्टार्स इंडिया जिसमें वो 14th पोजीशन ले पाए। मूविंग फॉरवर्ड टू 2020, गॉडलाइक को छोड़कर उन्होंने यू मुंबई स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया एंड उससे पीएमसीयू स्प्रिंग स्प्लिट 2020 खेला जिसमें उन्होंने 105 पॉइंट्स के साथ 7th पोजीशन निकाली। नाउ दे वर क्वालिफाइड फॉर पीएमपीएल ऐसे, लेकिन पीएमपीएल खेलने से पहले लाइक ऑल द प्लेयर्स उन्होंने भी 5 पीएमपीएल के स्क्रिम्स खेले जिसमें ऐसा परफॉर्म करने के बाद उन्होंने अपनी ईस्पोर्ट्स करियर का लास्ट ऑफिशियल इवेंट खेला, दैट इज पीएमपीएल ऐसे जिसमें उन्होंने 9th पोजीशन सिक्योर करी। मूविंग फॉरवर्ड उन्होंने एक ऑफिशियल शो मैच खेला 2021 में जिसमें उन्होंने 2nd पोजीशन सिक्योर करी। वी कैन से 24th अगस्त 2021 को उन्होंने अपना लास्ट टूर्नामेंट खेला एज एन एक्टिव ईस्पोर्ट्स एथलीट। उसके बाद उन्होंने ईस्पोर्ट्स को छोड़ दिया बिकॉज न्यू गॉडलाइक का फॉर्मेशन हुआ एंड कीकी स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। ओवरऑल कीकी ने इन सभी टीम के साथ अपनी जर्नी शेयर करी। दिस इज हिज टॉप 3 बेस्ट स्कोर्स। ऑल्सो उन्होंने सिर्फ एक ही टूर्नामेंट जीता है अभी तक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड। बिफोर एंडिंग आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके बाद काफी क्रेजी वीडियोज आने वाली है। दोबारा से टूट रहा हर दिन गुजरता है जूझ रहा तेरी याद में स्विच फूक रहा जल संकर बैठ नोट बना फिर कंसल आता है डोप घड़ा किस्मत की चांदी है।